यूपी की राजनीति में 90 का दशक बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस दौर में कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता गया। राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा का जनाधार बढ़ता गया। उसी दौर में मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी राजनीति खड़ी कर ली। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण नेताओं के भरोसे रहती थी, पर उस वक्त इतने नेता और इतने ब्राह्मण नेता हो गए कि कांग्रेस की राजनीति ही भस गई। संयोग की बात है कि बॉलीवुड में भी यह पतन का ही दौर था। राम मंदिर, शाहबानो और बोफोर्स पर चलती कांग्रेस के अंत की यह शुरुआत भी फिल्मी थी। इसी दौर में एक मुख्यमंत्री हुए थे श्रीपति मिश्रा। गांव की राजनीति से निकलकर लखनऊ तक पहुंचने वाले श्रीपति मिश्रा की स्टोरी भी कांग्रेस की स्टोरी है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। वैसे तो सरकारी नौकरशाहों का राजनीति में आना आम बात हो गई है, लेकिन आम तौर पर प्रशासक से नेता बनने वाले ये लोग अच्छे मौकों के लिए ही वे अपना पद छोड़ते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए जज की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि उनका यह जोखिम भरा फैसला उनके पक्ष में आया और वे यूपी के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। ये कहानी है श्रीपति मिश्रा की। वो श्रीपति मिश्र जो थे एक जज, लेकिन बड़े ही रोचक अंदाज में उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। अब सवाल आपके जहन में भी कौंध रहा होगा कि भला ऐसा हो कैसे सकता है कि जुडिशरी से जुड़ा कोई शख्स भला मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ था। हालांकि उनके सीएम पद तक का सफर जरा हटकर था। श्रीपति मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के थे। 20 जनवरी 1924 को वो जन्मे थे। उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की, छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नौकरी पाई। उन्हें फरुखाबाद में पोस्टिंग मिली, लेकिन नौकरी रास नहीं आई और इस्तीफा देकर घर लौट आए। जज की नौकरी मिलने के बाद भी उनका मन राजनीति में ही रमा रहता था। जब नौकरी का इस्तीफा दिया तो गाँव में प्रधानी का चुनाव होना था, लिहाजा उसी का पर्चा भर बैठे। फिर क्या, श्रीपति मिश्रा ने यह चुनाव जीत लिया और राजनीति में ऐसे आगे बढ़े कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शानदार राजनीतिक करियर की शुरुआत श्रीपति मिश्रा ने कांग्रेस का दामन थाम कर की। 1962 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक बने और इसके बाद 1967-1980 में भी विधायक चुने गए। वे 1970 से 1976 तक एमएलसी भी बने। इसके अलावा दो बार सांसद भी बने। इसके बाद 1982 में यूपी के सीएम बने। उनके सीएम बनने का किस्सा बड़ा रोचक है। दरअसल वीपी सिंह ने अपने चुनावी वादों को पूरा ना कर पाने के कारण यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस कुर्सी पर बैठाने के लिए कई नाम खंगाले और आखिर में श्रीपति मिश्रा को सीएम बना दिया। भले ही यूपी के सीएम के तौर पर श्रीपति मिश्रा के नाम पर खुद इंदिरा गांधी ने ठप्पा लगाया था, लेकिन उनके बेटे राजीव गांधी के कारण श्रीपति मिश्रा को कुर्सी छोड़नी पड़ी। 19 जुलाई 1982 को सीएम बनने के बाद 3 अगस्त 1984 तक ही वे इस पद पर रह पाए। राजीव गांधी से खराब संबंधों के कारण उन्हें सीएम पद से हटना पड़ा। इस तरह यूपी में किसी सीएम के कार्यकाल पूरा न हो पाने की प्रथा आगे भी जारी रही। राजीव गांधी से संबंध खराब होने के चलते न केवल उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि कांग्रेस ने उन्हें लगातार उपेक्षित भी किया। श्रीपति मिश्रा का राजनीतिक सफर बेहद ही रोचक रहा, जो हमें ये सिखाता है कि अगर लगन हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए कई छोटे छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने राजनीति में आने के लिए अपनी जज की नौकरी छोड़ी और गांव के प्रधान से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। हालांकि लंबी बीमारी के चलते 7 दिसंबर 2002 में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इनका निधन हो गया। खैर, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।